अरे रुको जरा, तुम्हें कोर्ट की तरफ से नोटिस भेजो क्या? ने कहा बहुत देर हो गई है, अकेले जाना सेफ नहीं होगा, इसीलिए वो ड्रॉप कर रहे हैं। लो पहुंच गए। मिस्टर शेंगवान, मुझे ड्रॉप करने के लिए आपका शुक्रिया। वैसे भी मेरी वजह से हमें इतनी देर तक काम करना पड़ा। आई एम सॉरी। देर तक काम करना तो मामूली बात है, जब तक तुम सक्सेसफुल लॉयर नहीं बन जाती, आगे तुम खुद समझ जाओगी। अब मुझे चलना चाहिए, अपना ख्याल रखना मिस्टर शेंगवान। बाय। कॉन्ग्रोम, काम हो गया? थोड़ा बाकी है। पिक करने के लिए मुझे कह देती? तुम्हारे बॉस भी थक चुके होंगे, तुम्हारा उन्हें तकलीफ देना मुझे पसंद नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब तकलीफ देने के लिए मैं मौजूद हूँ तो फिर उन्हें क्यों तकलीफ देना? खैर, इस वक्त तुम काफी थक चुके हो, तुम्हें जाकर आराम करना चाहिए। मुझे अभी घर नहीं जाना, मेरे साथ वॉक पर चलोगे? क्या? मैं कुछ ज्यादा ही सीधी हूँ। अरे ये तो बहुत ही अच्छी बात है, तुम्हारी यही क्वालिटी तो मुझे इतनी अच्छी लगती है। मत करो ना ऐसे। अच्छा ठीक है, नहीं करता। अब बताओ क्या बात है? मैंने सबकी हेल्प करने की कोशिश की थी, इसीलिए मैंने बहुत मेहनत की, लेकिन फिर भी मेरी वजह से वो मुसीबत में पड़ गए। मुझे बहुत बुरा लग रहा है। सच कहूं तो ऐसा सभी के साथ होता है। क्या तुम्हारे साथ भी? हाँ बिल्कुल। इंटर्नशिप के दौरान मैंने एक सर्जरी अटेंड किया था, वो पेशेंट नहीं बच सका। उस दिन एहसास हुआ कि ये एक ऐसा पेशा है जिसमें इंसान बेबस होता है। हम जिंदगी और मौत की जंग लड़ते हैं। हमेशा सोचता हूँ कि अगर मैंने और अच्छे से किया होता तो। तुमने अपना बेस्ट दिया होगा। बिल्कुल, और तुमने भी। हम कोशिश करते हैं कि अपने काम को अच्छे से कर सके, और कभी गलत हो तो मायूस ना हो। जल्दी से अपना काम करना सीखना होगा, ताकि मिस्टर शेंगवांग के लिए मुसीबतें खड़ी करना बंद कर दूं, तभी जाकर एक अच्छे लॉयर बन पाऊंगी बिल्कुल उनके जैसा। तुम मिस्टर शेंगवांग का कुछ ज्यादा ही जिक्र नहीं कर रही, ऐसा भी क्या खास है उनमें? हाँ, मुझे पता चल ही गया कि तुम सच में जेलस बॉयफ्रेंड हो। हाँ हूँ मैं। तो हम लोग क्या बातें कर रहे थे? इतनी टेंशन नहीं लेते। अरे रुको जरा, तुम्हें कोर्ट की तरफ से नोटिस भेजो क्या?
हर साल की तरह इस साल भी न्यू ईयर एक नए जोश जज्बे के साथ मनाया जाएगा। तैयारियां शुरू हो गई हैं और फायरवर्क्स का भी इंतजाम कर दिया गया है। आज 31 तारीख है ना, इससे पहले नया साल तुम्हारे साथ कोई मनाता था? हाँ, और वो कोई खास था? बहुत खास। हर साल इसी दिन मैं उसके लिए कुकिंग किया करता था और खाने के बाद वो चुपके से मेरे साथ बैठ जाता था और नए साल के लिए इंतजार करता। अब क्या हो गया, तुम्हें रैंकी रैंक से भी जलन हो रही है? तुम अपने पालतू कुत्ते की बात कर रहे थे। हाँ, तो और किसकी बात करूंगा। उस दिन कोशिश करता था कि काम खत्म करके घर चला जाऊं, उसके लिए खाना बनाकर साल भर मेरा साथ देने का शुक्रिया। अच्छा सुन, खाने के बाद हम घर चलेंगे। क्या हुआ? क्योंकि हमारी वहाँ जरूरत नहीं है, हमें उन्हें स्पेस देनी चाहिए। उसके बाद हम साथ में काउंटडाउन स्टार्ट कर सकते हैं। तुम क्या कहते हो इस बारे में? तो फिर बताओ ना, क्या करना है? जैसे तुम्हारी मर्जी। तो फिर हम घर में रहेंगे। लॉयर ढूंढने के लिए डेरेन फर्म आई है, क्या मैं आपकी मदद कर सकती हूँ? क्या लॉयर है? जी, मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ। असल में मुझे जानना था कि एक केस पर कितना खर्च आता है। ये तो केस पर डिपेंड करता है और लड़ने वाले वकील पर। इसमें लगभग 10,000 खर्च होंगे। आपका शुक्रिया, मैं फिर कभी आ जाऊंगी। एक मिनट रुकिए, जरूरत पड़े तो मुझे कॉल कीजिएगा। मुसीबत में फंसी होगी। मेरे ख्याल से तुम्हें जाना चाहिए क्योंकि देर हो रही है। सही कहा, मुझे अभी भी आइडिया आया, क्यों ना आज रात हम साथ में साइकिलिंग करें? ठीक है, तुम पहले से जाकर उन्हें ज्वाइन कर लेना। मैं पहले इस साल का काम खत्म करना चाहती हूँ ताकि सुकून से सेलिब्रेट कर सकूं। ठीक है, बाय बाय, गाड़ी आराम से चलाना। बॉस, कहिए। ये नई साइकिल है, अच्छी लग रही है। आपकी दूर की नजर बहुत तेज है। मैं इस साइकिल को काफी दिनों से चला रहा हूँ, लेकिन आप पहले इंसान हैं जिसने नोटिस किया। क्या वाकई में? इस साइकिल के बहुत सारे नए फीचर्स हैं। 26 इंच के कार्बन स्टील व्हील्स, वाटरप्रूफ सील्ड काउंटर शाफ्ट, इसका वेट भी बहुत हल्का है और ये बहुत काम की है। जब मैं इसे चलाता हूँ तो मुझे बहुत आराम महसूस होती है। Very nice. मुझे आज शाम के लिए ये चाहिए, ठीक है? कोई प्रॉब्लम? नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इसे मेरे पास ही छोड़ जाओ। क्या बात है? मैंने कभी इसे अकेला नहीं छोड़ा और ना ही इसे आदत है। हाँ, एक और बात, मैं पहले आपको वार्न कर देता हूँ, मेरी साइकिल दूसरे साइकिल से काफी अलग है क्योंकि इसके ब्रेक्स। हाँ, मिसेस जेंग, कैसी हैं आप? अच्छी हूँ। आप कंसल्टेशन के लिए आई हैं ना? जी, उसी के लिए। आप पहले से काफी बेहतर लग रही हैं।